नमस्कार गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल साइंटेक कमर्स में। तो गाइस, आज का वीडियो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इमेज बैकग्राउंड वाला वीडियो बना सकते हो, यानी जो बैकग्राउंड में भी इमेज हो और ऊपर में भी इमेज हो। तो गाइस, इस तरह का वीडियो अगर आप बनाने के लिए सीखना चाहते हो तो आप हमारे वीडियो पर शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिए। और इसमें मैं जो जो स्टेप बताने वाला हूँ उन सारे स्टेप को आप बारी बारी से फॉलो कीजिए। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसको आप पहले से देख सको और कुछ नया सीख सको। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैंने यहाँ पे काइंड मास्टर को ओपन करके रखा हुआ है पहले से। अब इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस के सिंबल पे क्लिक करना। प्लस के सिंबल पे क्लिक करने के बाद आपको 16:9 का रेशियो लेना है और यहाँ से मीडिया पे जाना और यहाँ बैकग्राउंड पे जाना और यहाँ से ब्लैक बैकग्राउंड इंसर्ट करवाना। ब्लैक बैकग्राउंड इंसर्ट करवा लेने के बाद आपको लेयर पे आना, लेयर पे आने मीडिया पे जाना और यहाँ से एक वीडियो टेम्पलेट इंसर्ट करवाना है। चलिए हम यहाँ से एक वीडियो टेम्पलेट इंसर्ट करवाते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैंने इस टेम्पलेट को इंसर्ट करवा लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस पे आइएगा इस ऑप्शन पे और यहाँ से आपको इसके साइज को फुल कर लेना है। फुल कर लेने के बाद आप इसको सिंपल इस तरह से छोड़ दोगे और इसके बाद आपको क्या करना है, लेयर पे आना और यहाँ से एक इमेज इंसर्ट करवाना है। चलिए हम यहाँ से इमेज इंसर्ट करवाते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैंने इस इमेज को इंसर्ट करवा लिया है। इस इमेज को इंसर्ट करवा लेने के बाद अब आप इसके साइज को इस तरह से फुल कर लोगे। फुल करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लेंडिंग का। ब्लेंडिंग पे आप क्लिक करोगे और यहाँ से आप इसको सिंपल स्क्रीन कर लोगे। स्क्रीन कर लोगे और इसको छोड़ दीजिएगा इस तरह से और यहाँ पे इन एनिमेशन पे आना है। इन एनिमेशन पे आने के बाद आप इसको क्या कर दोगे, स्केलअप कर दोगे। स्केलअप कर दोगे तो देखिए इस तरह से हो जाएगा और इसके बाद आप इसको छोड़ दीजिएगा और यहाँ पर फिर से लेयर पर आइएगा, फिर मीडिया पर जाइएगा और यहाँ से बैकग्राउंड पे जाना है। बैकग्राउंड पे जाने के बाद इसको बैकग्राउंड इंसर्ट करवा लीजिएगा और इसके साइज को इस तरह से रोटेट कर लोगे पहले और इसके साइज को इस तरह से फुल कर लेना है। फुल करने के बाद आपको जो क्या करना है, इसके बाद इस पर आओगे और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा क्रॉपिंग का। क्रॉपिंग पर आप क्लिक करोगे और यहाँ से आप इसके इनेबल कर लेना है और इसके बाद इसको इस तरह से आपको क्रॉप कर लेना और फिर बैक आना है। बैक आने के बाद इसको आपको इस सर्कल के ऊपर, यानी ये जो हमारा घेरा दिख रहा है यानी बॉर्डर दिख रहा है, इस पर आपको सेलेक्ट कर आना है और यहाँ से फिर ओवरले एनिमेशन पे आना है, इसको फ्लिकर कर देना है और फिर नीचे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल रहा होगा ब्लेंडिंग का। ब्लेंडिंग पे आओगे और यहाँ से आप इसको सिंपल स्क्रीन कर दोगे और इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे फिर अब आपको जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये इस तरह से हो गया हमारा। और इसके बाद आपको क्या करना है, फिर लेयर पे आना और यहाँ पे एक बैकग्राउंड वीडियो और इंसर्ट करवाना है। चलिए हम यहाँ से एक बैकग्राउंड वीडियो इंसर्ट करवाते हैं। तो इसके लिए फिर हम मीडिया पे जाते हैं और यहाँ से हम एक बैकग्राउंड वीडियो इंसर्ट करवाते हैं। और गाइस, जैसा कि आप लोग देखते हो, मैंने इस वीडियो को इंसर्ट करवा लिया। इस वीडियो को इंसर्ट करवा लेने के बाद आपको फिर से इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसके साइज को फुल कर लेना है और दूसरा काम जो करना है इसका वॉल्यूम को बंद करना। देखिए वॉल्यूम को बंद करने के लिए इस सिंबल पर क्लिक करोगे और यहाँ से आपको इसको सिंपल क्या करना है, इस पर क्लिक कर दोगे तो ये आपका वॉल्यूम जो है वो म्यूट हो जाएगा और इसका इसको ओके कर दोगे। देखिए इस तरह से अभी आ रहा है ना। तो अब क्या कीजिएगा, इसको इसको फिर से अभी जो आप वीडियो लिए थे उसको सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद देखिए एक ऑप्शन मिल रहा होगा ब्लेंडिंग का। ब्लेंडिंग पर आप क्लिक करोगे और यहाँ से आपको सिंपल क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखिए ये इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा चला करके दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये इस तरह से हमारा बन चुका है। और इसके बाद आपको क्या करना है, फिर इमेज लेयर पे आना और यहाँ से मीडिया पे जाना और एक इमेज इंसर्ट करवाना है। तो चलिए हम यहाँ से एक इमेज इंसर्ट करवाते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैंने इस इमेज को इंसर्ट करवा लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर आ जाइएगा, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको आने के बाद इसके साइज को भी फुल कर लेना है। फुल करने के बाद अब आप इसको ब्लेंडिंग में आइएगा, ब्लेंड को ओवरले कर दीजिएगा। ओवरले कर देने के बाद देखिए इस तरह से हमारा कुछ दिखने लग जाएगा और ये देखिए इस तरह से हमारा कुछ दिख रहा है।
अब इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, ये जो आपने इमेज फर्स्ट में जो आपने वीडियो लिया था उस पर आइएगा और यहाँ से आपको ब्लेंडिंग में जाना है। ब्लेंडिंग में आने के बाद इसको स्क्रीन कर दोगे। स्क्रीन करने के बाद आपको फिर थोड़ा सा बैक आना है और यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करना है और इसको देखिए ब्रिंग टू फ्रंट कर दीजिए हमने और इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर दोगे और इसको देखिए अब ये इस तरह से हमारा होने लगेगा। तो देख सकते आप लोग देख रहे हैं कितना अच्छा और अट्रैक्टिव ये दिखने में लग रहा है आप लोगों को। और अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे लेयर पे आना है, टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ से आपको इस जो भी आपको लिखना हो वो आप लिख लोगे। तो जैसे मैंने लिख लिया सैड। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके साइज को थोड़ा सा यहाँ पे ला करके एडजस्ट कर देना है और डबल ए पे क्लिक करना है। देखिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, फॉन्ट को चेंज करना है, फॉन्ट के स्टाइल को। तो फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करने के लिए डबल ए का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जो भी स्टाइल पसंद हो उस तरह का स्टाइल आपको ले लेना और सिंपल इसको इस तरह से कर लेना है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ और इसको बीचों बीच में आपको रख लेना, यानी आप अपने अनुसार सेट कर लोगे। और इसका फिर आप इसका कलर को हम चेंज कर लेते हैं। कलर को चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन जो दिख रहा है कलर का, इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ से जो भी कलर आपको पसंद हो उस तरह का कलर आप ले लोगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए येलो कलर ले लिया और इसके बाद नीचे आइएगा, नीचे आइएगा तो देखिए तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, शैडो, ग्लो और आउटलाइन। इसको सबको इनेबल कर देना है आपको। और इसके बाद आपको लास्ट में एक काम और करना है गाइस, इस पर आपको क्या करना है कि अब इसको सिलेक्ट करके रखिएगा और यहाँ पे ओवर लिमिनेशन पे आइएगा और यहाँ पे आपको पल्स कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हमारा होता रहेगा और इन एनिमेशन पे आपको आना है। इन एनिमेशन पे आने के बाद आप इसको क्या करोगे, इंटर, देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंटर स्लाइड आप कर दोगे। देखिए इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो गाइस अब मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी इमेज या वीडियो यूज किया है उसका उन सारे वीडियो और इमेज का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे आसानी पूर्वक डाउनलोड। और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों कि अगर अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई डाउट है इस वीडियो को लेकर के, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आप वहाँ से मुझे मैसेज के द्वारा जो भी पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो, मैं आपकी अवश्य मदद करूंगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो।